बिग बॉस के घर के अंदर जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं इस बार अब तक की हिस्ट्री में, इस सीजन की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस जो है वो इस हफ्ते हुए हैं। सबसे ज़्यादा लोग बेघर होने के लिए नॉमिनेट इसी हफ्ते हुए हैं, 8 लोग नॉमिनेटेड हैं, तो अपने आप में ये बड़ी बात है। अब मैं आपको बता दूं कि इस बार इसीलिए मेकर्स फैसला ले रहे हैं क्योंकि इतने सारे लोग नॉमिनेशंस में हैं और जिन्हें सबसे ज़्यादा वो बचाना चाहते हैं, जैसे कि अर्चना, स्टैन, अब्दू, साजिद, ये लोग जो है, ये जाहिर सी बात है सबके सब सेफ हैं, सारे इंपॉर्टेंट सिक्के जो हैं वो सब सेफ है, इसीलिए बाकियों को चिल्लर की तरह नॉमिनेशंस में क्योंकि डाला गया है तो इसीलिए इनमें से 2 इविक्शंस हो सकते हैं। जी हाँ, चलिए आपको बताते हैं डिटेल। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि 2 इविक्शंस होने के मैक्सिमम चांसेस नजर आ रहे हैं और वो मैक्सिमम चांसेस इसीलिए नजर आ रहे हैं बिकॉज कहा ये जा रहा है कि क्योंकि इस बार ज़्यादा नॉमिनेशन है इसीलिए 2 इविक्शन हो सकते हैं। देखिए पहले क्या होता था कि 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग नॉमिनेटेड हैं। अब इन 5 लोगों में से आप किस किस को निकाल लोगे, है ना? 2 करोगे तो 3 बच जाएंगे सिर्फ। नॉमिनेशंस लिस्ट थोड़ी छोटी रहती है लेकिन जब बड़ी नॉमिनेशन लिस्ट हो तो 2 निकालना आसान लगता है। और क्योंकि इस पूरे सीजन में बहुत कम लोग निकले हैं, कुल मिलाकर अब तक घर से सिर्फ 4 ही लोगों का एलिमिनेशन हुआ है 3 महीने में 4 लोग, मतलब महीने का 1 का एवरेज है। तो ये कहीं ना कहीं इसलिए मेकर्स पर अब प्रेशर भी आ चुका है जैसे जैसे सीजन एंड पर आ रहा है, क्योंकि फरवरी 2nd वीक में इसका फिनाले है, तो जाहिर सी बात है इनके पास बहुत कम हफ्ते बचे हैं शो को लेकर, और घर में बहुत लोग ज़्यादा हैं। 2 अभी और वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आ सकती हैं तो इसके लिए अभी 2 लोगों का जाना बहुत ज़रूरी है। सो मैं आपको बता दूँ कि वोटिंग के हिसाब से सबसे टॉप पर प्रियंका चरण चौधरी हैं वोट्स के मामले में, 2nd नंबर पर हैं सुम्बुल तौकीर खान, 2nd हाईएस्ट वोट्स, 3rd निमृत कौर आलूवालिया, 4th टीना दत्ता, सौंदर्य शर्मा, शालीन भनोट, सृजिता दे एंड विकास मनकतला। सो कहा यह जा रहा है कि लास्ट के जो 2 नाम हैं, क्योंकि सृजिता को जितने कॉन्टेंट के लिए लाया गया था उतना कॉन्टेंट, उतने का हिस्सा जो है, उतने हिस्से का कॉन्टेंट उनका हो चुका है क्लियरली, और इसीलिए उन्हें अब कहा जा रहा है कि वापस भेज दिया जाएगा। और अगर इसमें सच्चाई है नहीं है पता नहीं, लेकिन कहा तो यही जा रहा है। विकास के साथ साथ भी यही होने वाला है कि जितने देर के लिए उन्हें लाया गया था, मतलब जितना भी उनके हिस्से का कंटेंट था वो ख़त्म हो गया। हालांकि विकास काफ़ी प्रॉमिसिंग है, देखिए वो बहुत जेन्युइन इंसान है, वो दिखता है उनके फेस पर, लेकिन शायद जेन्युइन लोगों की बिग बॉस के घर में जगह नहीं है। सो इसीलिए जो सोर्सेज इस वक्त जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो ये है कि विकास और सुरजिता, ये दोनों लोग, विकास मलकतला और सृजिता दे, ये दोनों लोग इस हफ्ते इविक्ट हो सकते हैं एक साथ।